देश में साइबर क्राइम के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला है दिल्ली का, जहां दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह के नाम पर उनके ओएसटी से 2 लाख की ठगी कर ली गई। जालसाज ने चुनाव अधिकारी की बकायदा तस्वीर अपने व्हाट्सएप नंबर की डीपी पर लगा रखी थी और फिर ओएसटी को मैसेज किया और 2 लाख रुपए ठग लिए। 46 साल के जितेंद्र लाल गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह के ओएसटी हैं। अपनी शिकायत में जितेंद्र ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। डीपी पर आरोपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह की तस्वीर लगा रखी थी, जिसके बाद जितेंद्र ने इस मैसेज को अपने बॉस का मैसेज मान लिया। फिर थोड़ी देर व्हाट्सएप पर चैट हुई, जिसके बाद आरोपी ने चैट में लिखा कि उसे 2 लाख की जरूरत है, जिसके बाद ओएसटी ने 2 लाख के गिफ्ट वाउचर ईमेल कर दिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने जितेंद्र को बताया कि वह मीटिंग में बिजी है, लिहाजा जल्दी से यह काम कर दे, जिसके बाद ओएसटी के पास 2 लाख के अमेजन गिफ्ट वाउचर का लिंक आया और उस लिंक पर क्लिक करते ही जितेंद्र का अमेजन अकाउंट ब्लॉक हो गया और देखते ही देखते उनके अकाउंट से 2 लाख के गिफ्ट वाउचर खरीद लिए गए। यह भुगतान उनके बैंक खाते से हुआ। बाद में जितेंद्र ने अपने बॉस से जब पूछा तो इस ठगी का उनके सामने खुलासा हुआ। अब बात करते हैं जितेंद्र द्वारा की गई गलती की। जितेंद्र ने यह गलती की कि उन्होंने एक अनजान नंबर पर सिर्फ डीपी देखकर उन्हें अपना बॉस मान लिया और उनके इस चैट पर भरोसा कर लिया और 2 लाख जैसी बड़ी अमाउंट की पेमेंट तक कर दी। दोस्तों, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां इस तरह व्हाट्सएप पर आपके जानने वालों की फोटो लगाकर इस तरीके से ठगी की जा रही है। आप इससे सावधान रहें और जल्दी या आनन फानन में ऐसी कोई भी पेमेंट न करें। जब आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो थोड़ा रुके, थोड़ा सोचे और थोड़ा समझे। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और ऐसी साइबर क्राइम की घटना या मामला लेकर। तब तक आप सावधान रहें, क्योंकि इट्स मे बी फ्रॉड।